हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पियानो सीख के ज्ञान लीजिए में। तो पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं जानता हूँ मेरा किया हुआ वादा मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं रेगुलर ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा, बट आजकल नहीं हो पा रहे अपलोड। मैं समझ नहीं आ रहा कैसे माफ़ी मांगूँ। तो आज खैर हम तेरी मिट्टी केसरी मूवी का जो गाना है वो हम करने वाले हैं। बहुत अच्छा गाना है, तो मैंने सोचा इस पे लेसन बनाया जाए। राइट और लेफ्ट हैंड से दोनों से अच्छे से देखेंगे, राइट में मेलोडी, लेफ्ट में कॉर्ड्स, और क्या कॉर्ड पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ मैं वो। तो मैं धीरे धीरे आपको समझाने का ट्राई करूँगा। तो चलिए आराम आराम से सीखते हैं। गाने का स्केल है डी शार्प मेजर स्केल। मैंने अपना कैमरा ऊपर रख दिया ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। ये डी शार्प मेजर स्केल है जिसका रिलेटिव माइनर सी माइनर है। फैमिली कॉर्ड्स हैं जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर, ठीक है, जी माइनर, एफ माइनर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉन्ग में कौन कौन सी कॉर्ड यूज़ होंगी? चार कॉर्ड यूज़ होंगी सॉन्ग में हमारी, डी शार्प मेजर, सी माइनर, जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर, ये कॉर्ड यूज़ हो रही है सॉन्ग में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, ये लाइन शुरू में यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पर कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा? डी शार्प मेजर, सी माइनर, जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर। अब आराम आराम से देखेंगे। आप ना वीडियो को बीच में पॉज करते रहना, स्टॉप करते रहना, और फिर आराम आराम से प्रैक्टिस करना। आपने देखा जैसे मैंने कॉर्ड शिफ्ट करी, डी शार्प से सी माइनर पे आया हूँ मैं। उसके बाद जी शार्प और बी फ्लैट कॉर्ड ली। आपको मेलोडी याद करने पड़ेगी। सबसे जो पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगा राइट हैंड की मेलोडी याद करनी है आपको। कॉर्ड्स में बता रहा हूँ, लेफ्ट में कॉर्ड का पैटर्न आपको लेना है। आप 1 5 8 ले सकते हो। डी शार्प मेजर कॉर्ड का फर्स्ट नोट, फिफ्थ नोट और एट्थ नोट। सी माइनर कॉर्ड पे भी फर्स्ट नोट, फिफ्थ नोट, एट्थ नोट, ठीक है। जी शार्प मेजर कॉर्ड पे भी जी शार्प, डी शार्प, जी शार्प, 1 5 8, बी फ्लैट, एफ और बी फ्लैट। जो लोग लेसन देखते आ रहे हैं पहले के लेसन, उनको पता होगा कि 1 5 8, 1 3 5 8 और ये सारे पैटर्न्स जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या चीज़ होती है, तो आपको इजीली पता लगेगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल बिगनर है हो सकता है उसको नहीं पता चले। तो आप पहले वीडियो को पॉज कर देना, और हो सकता है आप लोगों को राइट हैंड की मेलोडी ऑलरेडी पता हो क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत, ठीक है। तो सब लोगों ने सुनी रखा होगा, हो सकता है आप लोगों ने राइट हैंड से प्ले भी कर रखा हो। बट लोगों को प्रॉब्लम आती है लेफ्ट हैंड में क्या कॉर्ड्स यूज़ करें, क्या कॉर्ड पैटर्न यूज़ करें, दोनों को सिंक्रोनाइज़ कैसे करें। तो मेरा मेन मोटिव है वो लेसन बनाने का, कि मैं आपको लेफ्ट के साथ राइट के साथ थोड़ा बता पाऊँ, समझा पाऊँ, और आप लोग ताकि प्रैक्टिस करो, फिर आप थोड़ा प्ले कर पाओ।
अगेन मैंने सेम कॉर्ड यूज़ करी लेफ्ट में, डी शार्प सी माइनर जी शार्प बी फ्लैट, और पैटर्न 1 5 8, ठीक है, अभी तक सब कुछ सेम है। अब हम आगे बढ़ने से पहले इसी पार्ट को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और थोड़ा एडवांस बनाने का ट्राई करते हैं। अब आप लोगों ने देखा मैंने लेफ्ट में टू ऑक्टेव कॉर्ड पैटर्न यूज़ करा, जिसको एरपीजियोज भी बोलते हैं, ब्रोकन कॉर्ड्स, टू ऑक्टेव मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया और ज़्यादा अच्छा साउंड करने लग गया। वो कैसे करा मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। डी शार्प मेजर कॉर्ड है, जैसे 1 5 8 3 5, ठीक है, आप ये पैटर्न यूज़ करो, 1 5 8, द नेक्स्ट ऑक्टेव का थर्ड नोट कॉर्ड का और फिफ्थ नोट उसी कॉर्ड का। सेम प्रोसीजर आप सारी कॉर्ड्स पे ट्राई करो, सी माइनर पे 1 5 8 3 5, ठीक है, हम 1 5 8 3 5 8 भी ले सकते हैं, मतलब पांच नोट लेना चाहो कॉर्ड में, कोई रूल नहीं। आप सोच रहे हो अगर कोई रूल है नहीं, अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे यार मैं वन फिर थ्री नोट को यहाँ मिस क्यों कर रहा हूँ, मैं वन के बाद सीधा फाइव पे क्यों जा रहा हूँ, थर्ड क्यों मिस करा। आप लोग पक्का सोच रहे होगे क्वेश्चन, तो कोई टेंशन या कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला है ये म्यूज़िक है, संगीत है, जो हमारे दिल को हमारे को अच्छा लगता है सुनने में, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, वही चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी हम लोग धीरे धीरे सीखते रहते हैं इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में। ऐसा कोई नहीं है कि आपकी कभी लर्निंग बंद हो जाए या आप पूरा परफेक्ट हो चुके हो, नहीं। हम पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, पूरे संसार में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं, और हमें सीखते रहना चाहिए। तो म्यूज़िक है, या म्यूज़िक जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ, तो उसमें कोई रूल नहीं है। ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल होता है, कि जो हमें साउंड हम ट्राई करके देख रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है, वो हमारे लिए अच्छा है। बस हमें मज़ा आना चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे लिए म्यूज़िक है, ठीक है। जो आपके दिल को सुकून पहुंचा रहा है ना, वो संगीत है, वो म्यूज़िक है, और आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो कोई रूल नहीं है, 1 5 8 लग सकते हैं, 1 3 5 8 भी ले सकते हैं। मेरे को थर्ड यहाँ पे नहीं, मैंने थर्ड नोट सेकेंड ऑक्टेव का ले लिया, फर्स्ट ऑक्टेव में मैंने मिस करी है वो चीज़। तो कोई टेंशन या कोई रूल वाली बात नहीं है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। एक बार दोबारा प्ले करता हूँ। ठीक है, मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि मैं हमेशा थोड़ा आपके लिए अलग, कुछ डिफरेंट, कोई टॉपिक पे कोई डिफरेंट कंटेंट बना पाऊँ, ताकि आपके लिए यूज़फुल हो, कुछ ना कुछ आपको मदद मिले। थोड़ा एक हमेशा से रहा है कि मैं दोनों हाथों पे फोकस करूँ, राइट और लेफ्ट हैंड का सिंक्रोनाइज पे। हमेशा मेरा मोटिव रहा है कि कुछ ना कुछ आपको लेसन से फ़ायदा हो, जो भी मैं बनाता हूँ। एटलीस्ट 100% हम नहीं सीख सकते, बट ठीक है, हम 30% 40 50% कुछ तो सीख सकते हैं, तो वो भी बहुत है हमारे लिए। बाकी ये तो म्यूज़िक की जर्नी है, जैसे कि मैंने बोला, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, हमेशा ही हर टाइम हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे आएंगी, हम धीरे धीरे हमारी चीज़ और अच्छी होती रहती है, सुंदर होती रहती है। तो कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, परफेक्शन की ओर बढ़ता रहता है। बस ज़रूरी यह है कि आप परफेक्शन की ओर बढ़ो, आप इम्प्रूव होते रहो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एक ही बात बोलता हूँ, कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम कब तक बजाना सीख जाएंगे, कब तक प्ले करना सीख जाएंगे। मैं बोलता हूँ ये मत सोचो, बस ये देखो क्या पहले 1 महीने और अब 3 महीने बाद आपको कुछ डिफरेंस दिखा, आपकी प्लेइंग कुछ इम्प्रूव हो रही है, तो समझ लो आप सीख रहे हो, वही आप परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। अब हम मेन लाइन देखेंगे गाने की, ठीक
और सेम कॉर्ड है अगेन, ठीक है, सेम कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। ये अच्छी बात है कि लेफ्ट में सेम कॉर्ड और सेम पैटर्न है। अब आपको फिर प्रैक्टिस, बस इन चारों कॉर्ड की आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको एरपीजियोस प्ले करना आ जाएगा, शिफ्ट कॉर्ड शिफ्ट करना आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, खाने में उतना ही नमक डालना चाहिए जितना हमारे को अच्छा लगे, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो भी बेकार लगेगा, कम डालेंगे तो भी, ठीक है, तो ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें, लेफ़्ट हैंड पैटर्न की बात करूँ तो जितना अच्छा लग रहा है, आप फील देखो गाने की, गाना क्या वो आप तक पहुँचाना चाहता है, या आप वो प्ले करके आप आगे वो चीज़ अपनी जो आप लोगों के अंदर बैठाना चाहते हो, लोगों के दिल तक पहुंचाना चाहते हो, वो चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, किस वे में अच्छी लग रही है। तो पैटर्न देखो लेफ्ट का, 1 3 5 लें, ब्लॉक कॉर्ड लें जिसमें हम सारे नोट एक साथ प्रेस करते हैं कॉर्ड्स को, या ब्रोकन कॉर्ड में लें, ठीक है। कितने लेफ्ट में नोट्स लें, 3 लें, 4 लें, कौन सी कॉर्ड लें, 4 नोट्स बजाएं कॉर्ड में, 8 नोट बजाएं, एरपीजियोस बजाएं, ये सब टेस्ट के ऊपर है। और प्लस गाने का मूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, गाने का मूड कि गाने में जो फील है, जो वो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब कोई रूल नहीं है कि इसमें यही कॉर्ड पैटर्न लगेगा, इसमें यही, ऐसा नहीं है। आप एक ही गाने में एक ही लाइन के ऊपर आप अलग अलग पैटर्न लगा सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एक सेकेंड, ये जंपिंग हो गया, अच्छा ये भी लग रहा है, बुरा नहीं है ये भी, अच्छा है, बट वही है, ठीक है, सब अपनी अपनी पसंद होते हैं। ये भी यूज़ करते हैं, इवन मैंने कवर अपलोड करा था प्ले करके ये कुछ टाइम पहले, तो उसमें मैंने एरपीजियोस, ब्रोकन कॉर्ड और प्लस जंपिंग पैटर्न यूज़ करा था, एंड लोगों को अच्छा लगा था, आप लोगों के फीडबैक आए थे, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो यही था आज का लेसन। बाकी मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा आप लोगों से पर्सनली माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं जानता हूँ लेसन्स नहीं आ पा रहे हैं, अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैंने वादा करा है, मैं निभा नहीं पा रहा हूँ वो वादा जो मैंने करा था। बट फिर भी आप मानो, बिलीव करो, मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि, और हमेशा ट्राई करता हूँ कि भाई लेसन अपलोड हो पाए। मैंने सोचा चलो आज इस सॉन्ग पे बनाए लेसन, 15 अगस्त भी आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, तो मैंने कहा चलो शायद इस टाइम के लिए ये वाला सॉन्ग भी सूटेबल है, तो इसको भी अपलोड करें, इसका लेसन भी, क्या पता काफ़ी लोगों का मन हो ये सॉन्ग प्ले करने का। तो फिर मैंने कहा चलो यार इस पे लेसन बनाते हैं अब। बाकी आई होप कि आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो, और आपको जैसा भी लगा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, फीडबैक आप दे सकते हो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, ठीक है। आप वीडियो को डिसलाइक करना चाहो कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कमेंट दोगे तो सही है, पता लग जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है, ठीक है। अगर आप डिसलाइक करके जाओगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ, और इसलिए कमेंट भी कर दोगे तो सही है, पता लग जाएगा कि हाँ और क्या अच्छा कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये आपको कुछ फ़ायदा होता ही नहीं होता है लेसन से कुछ, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपको 100% नहीं बट एटलीस्ट 30 40 50% कुछ तो आप सीखो, और आप जब बजाओ तो अच्छा लगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो चलो यही था आज का लेसन, बाकी आप प्रैक्टिस करो, आप लोग अपना ख्याल रखो, मैं भी रखता हूँ, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।